भाषा की क्या ताकत होती है और भाषा क्या कमाल कर सकती है, यह आपने सोशल मीडिया पर 3-4 दिन पहले देखा होगा। एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें चांदनी चौक के एक रिक्शा चलाने वाले भैया थे जिनका नाम असलम है, मैं उनके साथ इस वक्त मौजूद हूँ। असलम भैया इतना वायरल हुए कि हर कोई इनका फैन हो गया, तो हम भी यहाँ पहुंचे, सोचा असलम भैया से थोड़ी बातचीत कर ली जाए। और असलम भैया इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलते हैं? इंग्लिश मैम मुझे लॉन्ग टाइम हो गया वर्किंग करते हुए, सो टूरिस्ट आते थे तो हम उनको जाके पास में सुनते थे और सुनकर अपने माइंड में सब कैच करें, और फिर इसके बाद हम स्टार्टिंग कर दिए रिक्शा चलाना। और उस क्लाइंट को बोलते थे हम पैदल भी घुमाते हैं आपको, ओल्ड दिल्ली सारा जितना मार्केट एरिया है, हवेली हैं, टेम्पलें हैं, सारा मैं दिखाता हूँ और बताता हूँ, और हर जगह मैं समझाऊँगा, स्पीक इंग्लिश में करूँगा, जर्मन होगा जर्मन में स्पीक कर देता हूँ, इटालियन होंगे इटालियन में स्पीक कर देता हूँ, सो लिटिल बिट आल्सो स्पीक इटालियन एंड स्पेनिश आल्सो एंड इंग्लिश इज ओके, इंग्लिश इज गुड, सो इंग्लिश आई एम एवरीथिंग यू एक्सप्लेन यू। देखिए आप अगर अभी भी असलम भैया को नहीं पहचाने हैं या असमंजस में पड़े हुए हैं कि मैं किसकी रिक्शा पे बैठी हूँ, कहाँ पहुँची हूँ, तो देखिए मैं चांदनी चौक आई हूँ, ये असलम भैया है। अगर आप सोशल मीडिया चलाते होंगे तो आपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी होगी जो बहुत वायरल हुई, जिसमें ये चांदनी चौक का एक रिक्शा चलाने वाला दो अंग्रेजों को चांदनी चौक के बारे में समझा रहा था। वो विदेशी थे, वो यहाँ भारत घूमने आए थे। असलम भैया ने उन्हें कुछ ऐसा समझाया, ऐसा बताया कि वो वीडियो सोशल मीडिया पर यूजर्स को बहुत पसंद आने लगे, मिलियन में उसके व्यूज, लाखों लोगों ने इसे शेयर किया, हर प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो बहुत वायरल है। असलम भैया ये बताइए, उस दिन आप वो जो दो लोग आए थे विदेशी, उन्हें क्या बताए थे, जरा हमारे भी कैमरा पर बताए। सो हम उनको स्टॉप करके मैं इसके बाद इनको समझाने लगा, सो ये जैन मंदिर है, 1000 साल पुराना है, सॉरी ये जैन मंदिर है, बुद्धिस्ट टेम्पल, ये गौरी शंकर मंदिर है, फिर उसके बाद समझाया ये गोल्डन सिख टेम्पल है, उसके बाद मस्जिद छोटी सी है, फिर उसके बाद चर्च है, ये चांदनी चौक में 5 रिलीजन टेम्पलें हैं, फिर उसके बाद मैंने उसको समझाया ये है ओल्ड दिल्ली चांदनी चौक जो है। जरा इंग्लिश में समझाइए, देखिए असलम भैया हिंदी तो हम सुन ही रहे हैं, हमें वो सुनना है जो सुनने के बाद लोग आपके फैन हो गए, फैन हुए कि नहीं, सेल्फी ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फैन हुए हैं, बहुत हैप्पी हैं और हम भी खुश हैं। तो जरा एक बार अंग्रेजी में सुनाइए ना हमें। सो दिस इज द नाउ द ओल्ड दिल्ली, ओल्ड दिल्ली इज द नेम द चांदनी चौक, इन द चांदनी चौक इज द मूनलाइट स्ट्रीट एंड शाहजहानाबाग, सो चांदनी चौक द बिफोर नेम शाहजहानाबाग आल्सो एंड देन नाउ इज द नेम चांदनी चौक, सो चांदनी चौक इज द ओल्ड द मार्केट एरिया, सो दिस इज द स्पाइस मार्केट, स्पाइस मार्केट द ऑल ऑफ द एशिया नंबर वन, एंड देन आफ्टर द वेडिंग स्ट्रीट, साड़ी स्ट्रीट, सिल्वर स्ट्रीट एंड द स्मॉल स्मॉल नैरो स्ट्रीट एंड द जैन टेम्पल द अगेन द 1000 इयर्स ओल्ड, दिस इज द नौ घरा, 9 हाउस, 9 फैमिली लिविंग इनसाइड, इज वेरी ब्यूटीफुल द जैन टेम्पल ऑल्सो 1000 इयर्स ओल्ड, एंड आफ्टर द गोल्डन टेम्पल द सिख टेम्पल एंड देन आफ्टर द सेंट्रल क्रिश्चियन पब्लिक चर्च एंड ऑल्सो हवेली द हेरिटेज बिल्डिंग ऑल्सो एंड ऑल्सो राट, दिस इज द टाउन हॉल ऑल्सो इज वेरी फेमस, द टाउन हॉल द ब्रिटिश टाइम, द ब्रिटिश टाउन हॉल एंड देन आफ्टर द बिगेस्ट मॉस्क टू इंडिया जामा मस्जिद, the mosque in the every Friday 15-20,000 people inside the prayer also, so biggest mosque to India in Jama Masjid also, so this is the old Delhi, is the real India, the Chandni Chowk, the Moonlight Street. अच्छा आपको पता है कि आपकी जो ये वीडियो जो अभी आपने हमें बताया सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे कितना प्यार दिया है? बहुत प्यार दिए हैं, बहुत लाइक किए हैं और हम भी बहुत खुश हैं, जो भाई लोग हमें बहुत लाइक दिए और प्यार किए हैं।